नमस्कार, त्रिनेत्र चूरू अपडेट लेकर हाजिर हूं मैं विनीता शर्मा। और आइए अब नजर डालते हैं आज के अपडेट्स पर। जिला मुख्यालय के राजकीय डीबी अस्पताल में कोरोना वायरस संदिग्ध के सैंपल लेने के लिए 2 टेस्ट बूथ स्वास्थ्य विभाग की ओर से मिले हैं। इन दोनों टेस्ट बूथ में से एक सैंपल लैब के सामने स्थायी रहेगा वह दूसरा मूवेबल है। यह टेस्ट बूथ मिलने से जो सैंपल लेने वाले चिकित्सक है उन्हें पीपीई किट पहनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस बूथ में 2 ग्लव्स इस तरह से लगाए गए हैं कि बूथ के अंदर बैठा हुआ चिकित्सक यह दस्ताने पहनकर सामने बैठे कोरोना संदिग्ध के आसानी से सैंपल ले सकता है। इससे सैंपल लेने वाले चिकित्सक काफी सुरक्षित रहेंगे। ये दोनों ही सैंपल कलेक्शन चैम्बर हैं जिससे जो भी अपने जो भी कर्मचारी हैं जो सैंपल लेते हैं जो संक्रमण के ज़्यादा नज़दीक में रहते हैं ठीक है उनको संक्रमण से बचाव रहेगा और अपने जो पीपीई किट है ठीक है उनका भी यूज कम होगा। तो ये पीपीई किट की आवश्यकता नहीं होगी। मास्क और ग्लव्स है वो भी साधारण मास्क और ग्लव्स से काम चल जाएगा। तो ये काफ़ी आसानी हो जाएगी, सैंपल लेने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। जिसमें से 2 सैंपल है जिसमें से एक चल भी है तो अगर कहीं जाके भी अगर सैंपलिंग करनी हो उसमें भी अपने को मदद मिलेगी। भादरा के गांव जोगीवाला में एक व्यक्ति के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद क्षेत्र को जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित किया गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन व पुलिस अधीक्षक राशि डोगरा ने क्षेत्र का दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। वे राजीव गांधी सेवा केंद्र में ब्लॉक स्तर के अधिकारियों की बैठक लेते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। तारनगर में आज खंड मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अखिलेश कुमार शर्मा के नेतृत्व में COVID-19 महामारी के पॉजिटिव मरीज के संबंध में जागरूकता व रिहर्सल हेतु मॉक ड्रिल का उच्च अधिकारियों की मौजूदगी में आयोजन किया गया। मॉक ड्रिल में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तारनगर प्रभारी डॉक्टर देवीलाल जोशी के निर्देशन में मरीजों की सूचना पुलिस प्रशासन द्वारा दिए जाने पर 10 मिनट में उनकी RRT टीम प्रभारी डॉक्टर सलामू खां व सदस्य डॉक्टर अशोक चौधरी व सीनियर लैब टेक्नीशियन राजेंद्र सोनी एम्बुलेंस सहित मरीजों की जांच हेतु बताए गए स्थान पर पहुंचे व मरीजों की जांच उपरांत अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कर सैंपल लिए गए। इस अभ्यास में कार्यालय खंड मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी तारानगर के संतलाल बाना, खंड कार्यक्रम प्रबंधक मुकेश कुमार सैनी सहित अन्य कार्मिक मौजूद रहे। जब से पेंडेमिक कोरोना महामारी आई है हमारे समस्त स्टाफ ने चाहे वो हमारे ब्लॉक स्तर के अधिकारी हों CSC तारनगर के स्तर के अधिकारी हों PSC लेवल के अधिकारी हों सब मेडिकल पैरामेडिकल आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आशा सब ने बड़े अच्छे तरीके से कार्य किया है। किंतु जैसा कि अभी हमने सभी ने जोशी जी ने और हमारे जैसे सलामू जी हैं और समस्त PSC इंचार्ज हैं सब ने अब हमने बैठक की उसमें हमने ये थोड़ा तय किया कि जिस तरीके से लोग अब मॉडिफाइड लॉकडाउन 2.0 में आ रहे हैं उसमें कभी भी हमें इस तरह की परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है कि कोई पॉजिटिव केस आ जाए क्योंकि कुछ लोग अपनी आइडेंटिटी और अपना रूप छुपा के आ रहे हैं। इसलिए आज हमने मॉक ड्रिल का आयोजन किया। इस मॉक ड्रिल में हमारा कार्यालय CSC तारानगर पुलिस प्रशासन सभी का योगदान था। ये इसलिए था कि यदि भविष्य काल में कभी भी ऐसी परिस्थिति आती है तो हम आपस में समस्त विभागों का हर स्तर पर समन्वय करते हुए कैसे हम इस तरह के मरीजों को पहचानें तथा उनकी सैंपलिंग हम करवाएं। आज आप जो मेरे पीछे और मेरे दाएं बाएं और जब सब टीम देख रहे हैं ये उसी टीम का हिस्सा थी और आपका भी मैं बहुत धन्यवाद दूंगा मीडिया कर्मियों का जिन्होंने इतने शॉर्ट इंटरवल पर within 5 मिनट आपने पहुँचते हुए इसका आयोजन किया। और हमारा आगे उद्देश्य ये रहेगा कि समस्त PSC प्रत्येक PSC पर इस तरह की मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाए जिससे हमें अपनी खामियों का पता लगे तथा यदि भविष्य में इस तरीके का कोई पॉजिटिव केस आता है या सस्पेक्ट आता है तो हम अपनी पूरे पूर्ण तरीके से कार्यक्षमता से राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों की 100% पालना कर सकते। रेसला के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष भवरलाल गुर्जर व जिलाध्यक्ष राम कुमार खीचड़ के नेतृत्व में आज जिला कलेक्टर संदेश नाइक को रेसला चूरू की 7 ब्लॉक इकाइयों की ओर से 5,87,000 राशि का आर्थिक सहयोग भेंट किया गया। इस मौके पर जिला कलेक्टर ने सभी का आभार व्यक्त किया। कोरोना महामारी के चलते हुए पूरे प्रदेश में रेसला के द्वारा बहुत अच्छी मुहिम शुरू की गई। सबसे पहले करौली जिले में 5 लाख रुपए इकट्ठे करके और कलेक्टर साहब को वहाँ सुपुर्द किया गया। उसके बाद में चूरू जिले के सभी रेसला के साथियों ने ये मुहिम उठाई कि हम सरकार की कटौती के अलावा हमसे जो बन पाता है वो हम उसके लिए तैयार रहेंगे और 7 ब्लॉक में 5,87,000 रुपये कलेक्शन किया और हर ब्लॉक में
अपने हिसाब से उनको स्वयं के द्वारा किट वितरण किए जा चुके हैं। और चूरू में 1,65,000 रुपये जो हुए इकट्ठे, वो आज उसमें से हम 20 क्विंटल आटा और मास्क, सैनिटाइजर और 51,000 रुपये गिव अप समथिंग जो क्लर्क साहब की एक मुहिम है उसमें हम देने के लिए जा रहे हैं। कोरोना महामारी के चलते रेसला चूरू ने एक मुहिम चलाई है, सभी 7 ब्लॉकों से और राशि एकत्रित करके करीबन 5,87,000 रुपये का सहयोग हमने इस महामारी के बचाव हेतु किया है। प्रत्येक तहसील हेडक्वार्टर प्रशासन की मदद से राशन वितरण करवाया है। 1,65,000 रुपये चूरू तहसील में इसका संग्रह हुआ है, जिसमें से हमें 51,000 रुपये का तो कलेक्टर साहब को आज चेक देने जा रहे हैं और बाकी राशि का सैनिटाइजर और 20 क्विंटल आटा पिसाकर प्रशासन को हैंड ओवर किया है। मास्क और सैनिटाइजर हैं वो वितरित किए हैं। हमारे पास अभी और भी पैसे बचे हुए हैं, उनका हम उपयोग भी इस कोरोना महामारी के बचाव के लिए करेंगे। चूरू में कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए जिला कलेक्टर संदेश नायक के नेतृत्व में जहां प्रशासनिक अधिकारी, कर्मचारी, डॉक्टर व पुलिसकर्मी पूरी सक्रियता के साथ लगे हुए हैं, वहीं एनसीसी के कैडेट्स भी इस जंग में पूरी शिद्दत के साथ रणभूमि में डटे हुए हैं। इन दिनों टूराज बटालियन के कैडेट्स बैंकों के बाहर लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग बनाने के साथ साथ उनके हाथ धुलवाने व उन्हें हाइजीन प्रोटोकॉल के बारे में समझा रहे हैं। टूराज बटालियन के लाइजनिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट हेमंत मंगल ने बताया कि एनसीसी कैडेट 16 अप्रैल से बिना अवकाश लिए निरंतर अलग अलग बैंक और एटीएम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। कोविड-19 जो महामारी पूरे विश्व में फैल रही है, उससे हमारा चूरू रास्ता नहीं बचा हुआ नहीं है। प्रशासन की पहल पर जब हमारे कमान अधिकारी से कैडेट की सेवाएं चाही गई, तब डीजी एनसीसी की अनुमति के पश्चात 11 चुनिंदा कैडेट्स की टीम तैयार की गई, जिनके कार्य था बैंकों में, मार्केट्स में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना और अनुशासन बनाए रखना। इसके तहत कैडेट्स को कमान अधिकारी कर्नल गणेश भट्ट के निर्देशानुसार सबसे पहले ऑनलाइन ट्रेनिंग दी गई, तत्पश्चात यूनिट के लेवल पर इन्हें मास्क, दस्ताने, सैनिटाइजर उपलब्ध कराए गए। उसके बाद प्रशासन द्वारा भी इन्हें ब्रीफ किया गया और इन सभी कैडेट्स को अलग अलग बैंक में और एटीएम्स में तैनात किया गया चूरू शहर के। जय हिंद दोस्तों, मैं कैडेट अभिषेक कुमार नेहरा, गांव बड़े, जिला झुंझुनू, टूराज बटालियन एनसीसी चूरू की तरफ से अपना पूर्ण समर्थन कर रहा हूँ। जो ये कोरोना वायरस फैला हुआ है इंडिया के अंदर, इसके अंदर सबसे बेस्ट इलाज यही है कि लोगों की भावना है जो, वो उसको थोड़ा चेंजमेंट किया जाए। ये इलाज है कोरोना वायरस से दूर होने का कि आपस में डिस्टेंस बनाए रखें, दूरियां बनाए रखें, जिससे कि ये कोरोना वायरस है कम फैलेगा। सरदार शहर में देर रात पंजाब सरकार की 100 रोडवेज बसें एक साथ पहुंची। यह बसें पंजाब से चलकर महाराष्ट्र के नांदेड़ साहिब गुरुद्वारे जा रही थी। नांदेड़ साहिब गुरुद्वारे में पंजाब राज्य के लगभग 2,500 लोग फंसे हुए हैं। इसी को देखते हुए पंजाब सरकार ने फंसे हुए व्यक्ति को सुरक्षित राज्य में लाने के लिए यह पहल की है। बसों के साथ पंजाब पुलिस का भी भारी लवाजमा भी साथ में था। यह सभी बसें जब सरदार शहर पहुंची तो थाना अधिकारी महेंद्र शर्मा ने पुलिस कर्मियों, ड्राइवर, कंडक्टर और पंजाब सरकार के कर्मचारियों के लिए चाय पानी और अल्पाहार की व्यवस्था की। यह बसें राजस्थान के भीलवाड़ा से होते हुए नांदेड़ पहुंचेगी और वहां लंबे समय से फंसे हुए लोगों को लेकर पंजाब वापस आएगी। ये गत देर रात्रि को हाईवे के ऊपर ड्यूटी के दौरान चेक पोस्ट पर पंजाब की तरफ से बसेज, जिनमें पुलिस जाप्ता और सरकारी बसें थी, जो नांदेड़ साहब महाराष्ट्र में पंजाब के जो लोग फंसे हुए हैं उनको लेने के लिए जा रही हैं। और क्योंकि अब होटल ढाबे वगैरह सब बंद है हाईवे के ऊपर, ऐसी स्थिति में उनको वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए सभी लोगों को चाय पानी, नाश्ते की व्यवस्था करवाई गई थी। वहीं सूरतगढ़ से देर रात 11 विद्यार्थी भी सरदार शहर पहुंचे। इन बच्चों को तहसीलदार सुनील कुमार सैनी ने रिसीव कर सभी 11 विद्यार्थियों को आयुर्वेद कॉलेज में ले जाकर उनकी स्क्रीनिंग करवाई और वहां पर तमाम प्रकार की जांचें होने के बाद विद्यार्थियों को चाय पानी और नाश्ता करवाया गया। उसके बाद उन्होंने 14 दिन तक घरों में ही रहने की हिदायत देकर अपने गंतव्य तक रवाना किया गया। देखिए, कल रात को क्लर्क साहब का मैसेज आया था कि सूरतगढ़ से कुछ पढ़ने वाले बच्चे हैं अपने सरदार शहर के आसपास के गाँव के, वो आ रहे हैं। तो अभी जो कोरोना महामारी संक्रमण को लेकर जो निर्धारित प्रोटोकॉल है उसके अकॉर्डिंग बच्चों को अभी रिसीव कर लिया है और इनकी स्क्रीनिंग करवाकर प्रॉपर चाय नाश्ता के बाद और दोबारा स्क्रीनिंग इनकी करवाने के बाद
संबंधित को इनके गंतव्य स्थल भेजा जाएगा। इसके लिए हम लोग यहाँ पे आ आए हुए हैं, धन्यवाद। सूरतगढ़ से ये कुल अपने यहाँ अभी 11 स्टूडेंट आए हैं, जिनमें 6 सरदार सर तहसील के हैं और 5 बच्चे अन्य चूरू ज़िले की अन्य तहसीलों के हैं। तो कुल 11 स्टूडेंट अपने यहाँ रिसीव कर लिए। जिला मुख्यालय पर भी करौली से सुबह 5 बजे चूरू पहुंचे 6 लोगों का डॉक्टर एहसान गोरी व डॉक्टर इमरान गोरी के नेतृत्व में स्क्रीनिंग का कार्य किया गया। स्क्रीनिंग के बाद इन सभी को होम आइसोलेशन में रहने की हिदायत दी गई है। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के निवास पर आज जिला प्रमुख हरलाल सहारण के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने भामाशाह के आर्थिक सौजन्य से उपलब्ध लगभग 100 क्विंटल तरबूज शहर में घूम रहे आवारा गोवंश व गौशालाओं में गायों को खिलाने हेतु भिजवाए। इस मौके पर जिला प्रमुख ने पार्षदों को 100-100 मास्क भी उपलब्ध करवाए हैं, जिसके तहत शहर के अंदर जो भी व्यक्ति बिना मास्क दिखाई देगा उन्हें यह पार्षद मास्क उपलब्ध करवाएंगे। माननीय लोकप्रिय विधायक राजेंद्र राठौड़ द्वारा चूरू में 100 क्विंटल तरबूज आज 25 क्विंटल आए हैं, कल 25 आएंगे, परसों 25 आएंगे, पड़े रोज 25 आएंगे, 25-25 क्विंटल रोजाना 4 दिन लगातार हम गौशाला में ये तरबूज भेज रहे हैं। माननीय राठौड़ साहब, इस कोरोना को हरने के लिए, चूरू जीतेगा कोरोना हरेगा, इस तहत सारे चूरू में गौशालाओं का काम कर रहे हैं, परिंडे लगा कि पक्षियों का काम कर रहे हैं और कोई भूखा नहीं सोए, इस तरह का अभियान दिन प्रतिदिन रोजाना चल रहा है और आगे चलता रहेगा जब तक कोरोना नहीं हारेगा, चूरू जीतेगा कोरोना हरेगा। वही रतनगढ़ के विनोद कुमार व तिलोकचंद मारोठिया परिवार व प्रजापति समाज सेवा संस्थान के कार्यकर्ताओं के द्वारा प्रतिदिन शहर के आधा दर्जन स्थानों पर खुले में विचरण करने वाले गोवंश को हरी सब्जियां खिला रहे हैं, साथ ही लॉकडाउन की इन विकट परिस्थितियों में जरूरतमंद की सेवा भी कर रहे हैं। दुर्गेश प्रसाद जी मारोठिया की पुण्य स्मृति में हम लोगों ने आज 13 दिन से गौशाला व आवारा पशुओं को सब्जी डाल रहे हैं और हमारे साथ में हमारी जो टीम काम कर रही है उन्हें सभी को धन्यवाद देना चाहती हूँ जो हमारे साथ में मिलकर गायों की सेवा कर रहे हैं। तो हमारा सभी से अनुरोध यह है कि आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा गायों की सेवा करें और हम लोगों ने आज सभी ज़रूरतमंदों को सब्जी भी वितरित की है और हमारे पिताजी की एक यही इच्छा थी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा गौवंश की सेवा करें। तो मेरा सभी से अनुरोध है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा गायों की सेवा करें। हम लोग आज लगातार 13 दिन से गायों को चारा व सब्जियां डाल रहे हैं, तो हम यही चाहते हैं कि आगे कोई भी प्रेरणा लें इससे। जिला कलेक्टर संदेश नायक ने लॉकडाउन के दौरान जिले के समस्त ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत ई मित्र कियोस्को के कार्य को निर्देशों के तहत अनुमति प्रदान की है। जिला कलेक्टर द्वारा जारी आदेशानुसार कियोस्क धारक को चेहरे पर मास्क पहनकर कार्य करना होगा व मास्क पहने हुए नागरिक को ही सेवा देनी होगी। कियोस्क पर 5 से अधिक व्यक्ति इकट्ठे नहीं होंगे। कियोस्क पर सामाजिक दूरी कियोस्क धारक को सुनिश्चित करनी होगी। आदेशानुसार किसी नवीन ग्रामीण क्षेत्र में कर्फ्यू लगा दिया जाता है तो उस क्षेत्र में यह अनुमति स्वतः ही रद्द मानी जाएगी। तारानगर में कांग्रेस विधायक नरेंद्र बुड़ानिया की विधायक निधि से स्वीकृत 50 लाख रुपए से भेजी जाने वाली राहत राशन सामग्री में से आज बाएं व बनियाला के लिए उक्त राशन से भरे वाहनों को अखिल भारतीय किसान सभा प्रदेश कमेटी सदस्य कामरेड निर्मल प्रजापत व कामरेड उमराव सिंह गाजुवास ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर कामरेड निर्मल प्रजापत ने कहा कि कोरोना वायरस की जब तक कोई दवा नहीं बन जाती तब तक हमें लॉकडाउन व सरकार के निर्देशों की पालना करनी होगी। को सरकार के द्वारा कोष अलॉट होता है तो उस विकास कार्य के फंड को जनता के चूल्हे जले, गरीब के चूल्हे जले, वहां तक पहुंचाने का उन्होंने प्रयास किया है। इस प्रयास में हम और आप सब लोगों की ये भागीदारी है, ये इस बात की जिम्मेदारी है कि ये जरूरतमंद लोगों तक ही पहुंचे। और मेरी लोगों से भी अपील है, जो सक्षम है वो दें और जो जरूरतमंद है वो लें। ये निर्णय अपने आप के साथ लेना है, फिर कहीं भी दुरुपयोग भी नहीं होगा, इससे लोगों का हौसला अफजाई भी होगी। सरकार के अलावा भी बहुत सारे समाज सेवी लोग मदद कर रहे हैं। हम अखिल भारतीय किसान सभा की तरफ से जनता रसोई चला रहे हैं, उसके हमारे अलग अलग अनुभव है, लेकिन अभी जो ताजा अनुभव है वो अनुभव ये है कि लोगों ने दिल खोल के सहयोग किया है। सुजानगढ़ के पूर्व प्रधान पूसा राम गोदारा ने कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव हेतु लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंदों की सहायतार्थ आज जिला कलेक्टर संदेश नायक को मुख्यमंत्री सहायता कोष COVID-19 में 51,000 रुपए का चेक भेंट किया है। इस मौके पर जिला कलेक्टर संदेश नायक ने उनकी सराहना करते हुए कहा कि प्रत्येक व्यक्ति का सहयोग इस वैश्विक बीमारी के समय में महत्वपूर्ण है।
कोविड 19 के संक्रमण से बचाव के लिए जिला प्रशासन के द्वारा लगातार सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव करवाया जा रहा है। इसी के तहत आज राजन देसर में नगर पालिका अध्यक्ष गोपाल मारू के नेतृत्व में शहर के विभिन्न क्षेत्रों में सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव कर क्षेत्र को संक्रमण से मुक्त किया गया। लॉकडाउन जब से शुरू हुआ तब से पूरे कस्बे में और कस्बे के निकटवर्ती देहातों में जो पैराफेरी क्षेत्र में आते हैं, नगर पालिका प्रशासन द्वारा सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव किया जा रहा है। आज पूर्व पालिका अध्यक्ष श्रीमान मांगीलाल जी प्रजापत के आग्रह पे उनके वार्ड में सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव किया गया। और भी जैसे व्यक्तिगत किसी का भी कॉल आ जाता है, जैसे एमएलए साहब का आ गया या कोई जिसका भी कॉल आ जाता है नागरिकों का कस्बे के या देहात से, तो हम हमारा यही प्रयास है नगर पालिका प्रशासन का कि कस्बे में कोई ऐसी गली है, कोई ऐसा कुचा नहीं बचे जो इस छिड़काव से वंचित हो। धन्यवाद। वहीं राजल देसर में भामाशाह सोहनलाल मालचंद कुंडलिया परिवार की ओर से विधायक अभिनेश महर्षि के आग्रह पर आज 300 जरूरतमंद व्यक्तियों को प्रशासन के माध्यम से राशन सामग्री वितरित की गई। वहीं कस्बे में स्थित श्री राजल देसर गौशाला में भी गोवंश के लिए चारे व हरी सब्जियों की व्यवस्था करवाई गई। के चलते सोहनलाल जी, सुमेरमल जी, कुंडलिया चोटी आवास द्वारा दोनों गौशालाओं को 2500 से 3000 रुपया प्रतिदिन हरी सब्जियां एवं किट गरीबों के लिए और कुत्तों और बिल्लियों के लिए आटे की रोटी बनाकर प्रतिदिन 15 दिन तक इनको दी जाएगी। 300 किट दो बार में वितरण की जाएगी प्रशासन के माध्यम से। सादुलपुर में किडनी के रोग से पीड़ित एक व्यक्ति के लिए लॉकडाउन के दौरान बंद बाजार मुश्किलें बढ़ाता जा रहा है। मुख्य डाकघर के सामने रहने वाले सुरेंद्र सिंह मोयल ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भेजकर बताया कि वह एक गरीब परिवार से है, वह किडनी रोग से पीड़ित है। लॉकडाउन से पहले बीकानेर में डायलिसिस करवा रहा था, किंतु कोरोना महामारी के कारण अब उसे डायलिसिस के लिए मना कर दिया गया है। वहीं स्थानीय राजकीय चिकित्सालय में ऐसी कोई सुविधा भी उपलब्ध नहीं होने के कारण उसे काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे बड़ी समस्या तो सर हमारे यहाँ डायलिसिस की आ रही है, जो जिला मुख्यालय पर तो डायलिसिस पीपी मोड पर है, वहाँ भी पैसे लगते हैं। और दूसरा की बात यह है कि 60 किलोमीटर जाने में 1500 रुपये लॉकडाउन के समय भाड़ा किराया लग जा रहा है, और हमें यहाँ पे डायलिसिस की सुविधा जो है वो निःशुल्क नहीं मिल पा रही। हमें नगद भुगतान करके 1700 रुपये पहली डायलिसिस के और उसके बाद में 1000 रुपये भुगतान करना पड़ रहा है। सरकार की जो जन आधार योजना है उसमें राशि का आवंटन अभी तक नहीं हुआ है। 3-4 महीने हो गए योजना को लागू किए, लेकिन सरकार अभी तक भी संवेदनहीनता बरतते हुए उसमें किसी भी प्रकार की राशि का आवंटन नहीं कर पा रही। कोरोना महामारी संक्रमण के चलते लॉकडाउन की पालना करवाने और संक्रमण को बढ़ने से रोकने के लिए दिन रात ड्यूटी कर रहे पुलिस विभाग के अधिकारी व सिपाहियों के लिए केटीसी वेलफेयर सोसाइटी चूरू ने कड़ी धूप से बचने के लिए कैनोपी तैयार कर पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम को जिला मुख्यालय पर भेंट किए। इसके साथ ही पुलिस के जवान ड्यूटी के दौरान संक्रमित न हो इसके लिए ब्रांडेड हैंड सैनिटाइजर व कपड़े से बने मास्क भी भेंट किए गए। जिला पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम ने कोरोना संक्रमण से निपटने हेतु मानवीय मदद के लिए संस्था का आभार व्यक्त किया। जिला मुख्यालय पर आज होम्योपैथी के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर अमर सिंह शेखावत ने जिला कलेक्टर से मुलाकात कर इम्यूनिटी बढ़ाने हेतु आर्सेनिक एल्बम 30 होम्योपैथिक दवा के 4500 किट जिला कलेक्टर को भेंट किए। मैं डॉक्टर अमर सिंह शेखावत अंतरराष्ट्रीय वरिष्ठ होम्योपैथिक चिकित्सा विशेषज्ञ चूरू में कार्यरत हूँ। मैंने अपने परिवार की ओर से अभी जो कोरोना वायरस महामारी चल रही है उसकी प्रिवेंटिव मेडिसिन के रूप में इम्यूनिटी बढ़े, वाइटिलिटी बढ़े, जीवनी शक्ति बढ़े, उसके लिए भारत सरकार के आयुष मंत्रालय द्वारा दी गई सलाह के अनुसार आर्सेनिक एल्बम 30 के 4500 किट शीशियाँ जिला कलेक्टर महोदय श्रीमान संदेश जी नायक को अभी आज भेंट की है। तो वो सभी जगह सभी जो कर्मवीर योद्धा हैं जो इस महामारी से बचने के लिए बचाने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं, उन सारे स्टाफ को तथा और अन्य सभी जरूरतमंद को सभी को ये वितरित निःशुल्क की जाएगी। मैं इस अवसर पर और ईश्वर से कामना करता हूँ कि इन दवाइयों के बलबूते लोगों का जो कार्य कर रहे हैं उनका इम्यूनिटी बढ़ेगी, उनकी वाइटिलिटी बढ़ेगी, जिससे वो
इस क्षेत्र में, सेवा के क्षेत्र में और अधिक अग्रसर होंगे, सेवाएं दे सकेंगे। ये था आज का चूरू अपडेट, कल फिर हाजिर होंगे नई अपडेट के साथ। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।